नागपुर में बैंक का सतर्क। पिता की मौत के बाद नाबालिग बच्चों को बैंक ने बनाया कर्जदार। तीन नाबालिग बच्चे 74,000 के कर्जदार। पिता ने लिए थे 25,000, अब बच्चों को देना है 74,000। बच्चे कैसे चुकाएंगे कर्ज? ये तीन नाबालिग बच्चे अब अनाथ हैं। माँ की मौत तो पहले ही हो चुकी थी, अब पिता भी इन्हें छोड़कर जा चुके हैं। और अब अगर इनके पास कुछ बचा है तो सूद समेत 74,000 रुपए का कर्जा, जो इन्हें महमूदाबाद सहकारी ग्राम विकास बैंक को देना है। जी हाँ, ये बच्चे 74,000 रुपए के कर्जदार हैं। इन्हें कर्ज का मतलब भी शायद ना पता हो, लेकिन हकीकत है ये कर्जदार हैं। दरअसल 2004 में सीतापुर के महमूदाबाद निवासी राम प्रसाद ने सहकारी ग्राम विकास बैंक से 25,000 रुपए का कर्जा लिया था। कर्जा अदा कर पाने से पहले ही राम प्रसाद की मौत हो गई, जिसके बाद बैंक वालों ने ब्याज जोड़कर 74,000 रुपए का कर्ज का बच्चों के नाम नोटिस भेज दिया। हम बच्चों बारे में जानकारी जानते हैं, वो बच्चे अनाथ हैं, सात साल माता पिता खत्म नहीं हो गए, उनके माता पिता अरे हो गए यहीं 15-20 दिन, तो उनके घर नोटिस आई, तो बच्चे रहे थे चाचा के आग में, तो बड़े हो गए उनको अलग कर दिए, कुछ खाने को नहीं, कुछ दिन तो 4-5 दिन तो हमने अपने यहाँ से सीधा पानी मेरी माँ ने दी। वहीं इस पूरे मामले पर बैंक कैशियर और एटीएम का क्या कुछ कहना है सुनिए। मेरे बैंक से नियमानुसार ये जो नोटिस है जारी होती रही है, मुझे मौत की कोई सूचना की जानकारी नहीं है। इसकी जांच करा के आगे की कार्रवाई है, इसकी जांच की जाएगी। देखिए, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, ये प्रकरण अभी आपने उठाया है, तो मैं प्रकरण की जांच कराऊंगा और उसके बाद में जो भी स्थिति होगी तभी स्पष्ट करने की स्थिति में होगा। गजब है, लाखों करोड़ों के कर्जदार भाग जाते हैं, उनसे वसूली नहीं हो पाती तो उन्हें एनपीए की श्रेणी में डाल दिया जाता है। एनपीए के मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिनके पास से वसूली की उम्मीद ना के बराबर होती है। लेकिन छोटे गरीब कर्जदारों से वसूली के नाम पर बैंक वाले क्या क्या करते हैं, इसका उदाहरण ये तीन बच्चे हैं जो 74,000 के कर्जदार हैं।